बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 7 जुलाई को अपने एक ट्वीट में लिखा कि बिहार में रोजाना कोरोना के 9000 सैंपलों की जांच की जा रही है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? बिहार तक ने इसकी पड़ताल की। हमने कुछ सरकारी आंकड़ों को टटोला तो हमें चौंकाने वाले नतीजे मिले। 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो किसी भी दिन 9000 सैंपलों की जांच नहीं हुई है। 10 जुलाई को 7595 सैंपल, 8 जुलाई को 6277 सैंपल, 7 जुलाई को 5168 सैंपल, 6 जुलाई को 6213 सैंपल। इन आंकड़ों में सिर्फ 9 जुलाई की सैंपलों की संख्या बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नहीं है, यानी कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का ये दावा कि हर रोज बिहार में 9000 सैंपलों की जांच हो रही है झूठा निकला है। और ये बात बिहार के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बिहार कोविड-19 के टेस्ट में सबसे पीछे है। 19 राज्यों में सबसे पीछे है बिहार। बिहार में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 2197 टेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ 2197, जो उसके पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 3798 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि झारखंड में प्रति 10 लाख व्यक्ति 4416 टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 2197 पर आकर रुक जाता है। WHO के प्रमुख अदमॉन टेड्रोस ने मुंबई के खचाखच भरे इलाके धारावी का उदाहरण देते हुए कहा है कि ऐसी जगहों पर बड़े स्तर पर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया गया। कोरोना वायरस की जो मूलभूत बात टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन से जुड़ी है, उसका पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना के संक्रमण को रोकने और उसे खत्म करने के लिए हर बीमार आदमी का इलाज किया गया। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन, यही वो 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन बिहार में पहली ही स्टेप यानी कि टेस्टिंग पर्याप्त संख्या में नहीं हो रही है। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होगी, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कोरोना संदिग्ध व्यक्ति है, और कैसे आप उनको आइसोलेट करके उनका इलाज कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही इसको लेकर सुशील मोदी को चुनौती दे दी है। उन्होंने मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी इसको लेकर घेरा है। बिहार में सिर्फ लॉकडाउन करने से कोरोना नहीं थमने वाला है। बिहार सरकार को चाहिए कि वो WHO द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए, ताकि बिहार में ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बच सकें। मैं हूं मानसी, आप देख रहे थे बिहार तक। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।